गैलेक्सी A52S 5G। हाँ मतलब बहुत दिनों बाद इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरा फेवरेट स्मार्टफोन में था क्योंकि इतना व्यूज़ हमारे ऊपर आए चैनल पर, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात थी। बट अगर इसके ऑफर की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, 30,000 रुपये में कैसे मिलेगा पूरा वीडियो देख लेना, जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं अभी तक आपने नहीं किया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन के ऊपर हम फर्क करेंगे कि किस में क्या प्राइस मिल रहा है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सैमसंग के A52S के ऑनलाइन की प्राइस में आ जाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में सबसे पहले हम जाएंगे फ्लिपकार्ट में, तो फ्लिपकार्ट में आप लोगों को कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा। हाँ कोई प्राइस है 35,999 रुपीज़, अब 10 रुपये ज़्यादा आपको ऑफ वहाँ पर कुछ भी नहीं देखने मिल रहा है ज़्यादा, ठीक है। अमेजोन में जाओगे तो वहाँ पर SBI का कोई ऑफर चल रहा है जहाँ आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, होप अच्छी बात है, जो आपको अराउंड 10% मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी कम है, इतना इनफ नहीं है। वहीं में सबसे अच्छा जो ऑनलाइन का ऑफर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है Samsung.com में, मतलब सैमसंग के होम स्टोर में मिल रहा है भाई वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वो 32,000 में मिल जाएगा फ़ोन, 36,000 वाला, 4,000 रुपये का ऑफ। 3,000 HDFC के बैंक में मिल रहा है, ठीक है, वो तो पहले से चल रहा है, 3,000 वहाँ कट जाएगा। और 1,000 रुपये आप लोगों को सैमसंग के एडवांटेज कुछ ऐसे ऑफर मिल रहा है जो आपके वॉलेट में मिल जाएगा आपको, मतलब सैमसंग के वाउचर मिलेगा, जो आप 1,000 रुपये में कुछ भी खरीद सकते हो। अब आप चाहो वाउचर बेच दो, कोई और कुछ खरीद ले, बात अलग आ जाती है। तो टोटल कुल मिला के 4,000 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ पर सैमसंग स्टोर में मिल जाएगा, तो मतलब 32,000 रुपीज़ में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। अब मैंने बोला है 30,000 रुपये, थंबनेल में देखा होगा, 30,000 रुपये में कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को जाना होगा सैमसंग स्टोर में। हाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन में सही सबसे सबसे बेस्ट प्राइस आपको देखने मिलने वाला है। जाइएगा सैमसंग स्टोर में, दिखाइएगा कि भाई देखिए 32,000 में हमें मिल रहा है, आप बताइए, अगर आप मुझे अच्छा ऑफर दे सकते हैं तो मैं यहाँ से ले लूँ, वरना मैं ऑनलाइन मंगा लूँ। और वो आपको क्या कहेंगे कि आपको मैं बेहतर प्राइस से दे दूँगा, मतलब इधर से बेहतर प्राइस दे दूँगा ऑनलाइन से, क्योंकि वो अपना ऑफलाइन में ज़्यादा बेचना चाहूँगी। जैसे जब से ऑनलाइन आया वैसे ऑफलाइन वाले बहुत परेशान हैं कि भाई इनका ज़्यादा बिकता नहीं जितना ऑनलाइन का बिक रहा है आजकल। तो वो आपको एक ऐसा करारा ऑफर देंगे कि ये आपको 30,000 रुपये तक मिल सकता है। मगर बात ये सिर्फ इतनी है कि अगर आप लोगों को बार्गेनिंग आती है फिर ये 30,000 रुपये मिलेगा, वरना वो कहेंगे नहीं देखिए 500 कर देते हैं, देखिए नहीं हमें तो वही देंगे वरना रहने दीजिए, ये ऐसा होगा। तो ये आप लोगों को समझना होगा। तो 30,000 रुपये मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत से लोगों को मिला भी है 30,000 रुपये में ये फ़ोन। तो बस थोड़ी ट्रिक्स इस्तेमाल करिए, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट 30,000 रुपये में ही आपको फ़ोन मिल जाएगा, क्योंकि भाई 32,000 में तो ये ऑनलाइन मिल ही रहा है। तो आप कहो उसको भाई रीज़न दो कि भाई देखिए 32,000 में वहाँ मिल रहा है तो मैं आपसे क्यों लूँ, तो वो भी बोलेगा हाँ क्यों ले। तो चलिए कुछ ऑफ़र दे देते हैं। तो वैसे उन लोगों के पास ऑफर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो वो क्या है ना, ऑफलाइन आप लोगों का ये भी बढ़िया बात रहेगी कि एकदम कट टू कट वहीं पर काम हो जाएगा आपका, सब कुछ वहीं होगा, मोबाइल भी वहीं मिल जाएगा आपको, और भाई ज़्यादा वो नहीं होगा इधर उधर, है ना। तो 30,000 रुपये में अगर मिल रहा है अच्छी डील है मेरे हिसाब से। तो 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, सेंटर पंच होल है, 120 रिफ्रेशिंग रेट है, स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट है, बहुत पावरफुल चिपसेट है, उस प्राइस का अच्छा है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 1.8 अपर्चर का OIS का सपोर्ट है, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर माइक्रो लेंस भी आपको देखने मिल जाते हैं सेल्फी में, सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो उसमें भी OIS मिलता है आपको, दोनों में आप 4K रिकॉर्ड कर लेते हो, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। 4.5 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी मिलता है, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, ये भी 30,000 रुपये के हिसाब से तगड़ा और बढ़िया बात बन जाती है। तो हैंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है, और 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात बन जाती है। तो ओवरऑल अगर आप लोग लेना चाहते हो यहाँ पे सैमसंग का A52S, तो 30,000 रुपये में अच्छा फ़ोन है। मगर मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करता हूँ कि बिग बिलियन डेज में हो सकता है इससे बढ़िया ऑफर मिल जाए। हाँ हो सकता है कि ये फ़ोन 36,000 वाला फ़ोन आप लोग को 28-27 में मिल जाए, तो आपको बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑफर ही मिल जाएगा, तो ले लेना। जब भी आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग इंतजार करने वाले हो नहीं करने वाले हो, कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो अभी तक आपने नहीं किया है, और सैमसंग के इस फ़ोन के बारे में मुझे अपनी राय बता देना, आपको कैसा लग रहा है ये सैमसंग का फ़ोन, वैसे कब का आ चुका है, बस अब यहाँ पे ऑफर्स के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अच्छे ऑफ़र मिल जाएँ कि हम इस फ़ोन को ले लें। तो हाँ A52S का ऑफ़र आने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि देखिए 32,000 तो अभी जल्दी से आपने ऑफ़र दे दिया है, अगर ऑनलाइन लेना है तो 32 मिल जाएगा, और ऑफलाइन में अगर लोगे तो 30,000 रुपये तक आपको ये फ़ोन मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको बार्गेनिंग करनी है, मुझे नहीं करनी है, आपको करनी है। कोशिश करिएगा कि 30,000 रुपये से और कम करवा लीजिए, क्योंकि मिल जाएगा आपको। देखिए ऑफलाइन में बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, होता क्या है ना आजकल हम ऑनलाइन में इतना वो हो गए बिजी कि हम जाते ही नहीं ऑफलाइन, ये याद रखिए, इसलिए ऑफर बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े मिल जाते हैं ऑफलाइन में भी, ठीक है। तो बस बताना वीडियो कैसी लगी, अब पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।